Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut शहर की प्रमुख सड़कों की बात है। अब बारी है शहर के प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण की। शाम के बाद रोशनी में इठलाते और अपनी सुंदरता से नहाते ये फव्वारे राहगीरों को राहत प्रदान करने वाले साबित हो रहे हैं। मेरठ शहर में फिलहाल दो चौराहों से गुजरने का एहसास अब रंगीन हो चला है। पहला तेजगढ़ चौराहा तो दूसरा गांधी आश्रम चौराहा। दोनों ही चौराहों पर अलग अलग तरह के फाउंटेन लगाए गए हैं। नगर निगम मेरठ के नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा का कहना है कि शहर को अनूठी व खूबसूरत विरासत देने की यह तो अभी शुरुआत है। जल्द ही सर्किट हाउस चौराहा भी रंगीन लाइट व अद्भुत नज़ारे से युक्त होगा। पहले देखिए हाल ही में लगाए गए फाउंटेन जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस बारे में फर्स्ट बाइट को नगर निगम मेरठ के नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने यह जानकारी दी। मेरठ शहर में कबाड़ से जुगाड़ और ट्रिपल आर पद्धति को अपनाते हुए विभिन्न चौराहों और विभिन्न स्थानों पर म्यूरल्स के माध्यम से और फाउंटेन के माध्यम से जो हमारा स्क्रैप मटेरियल है उसको यूज़ करते हुए चौराहों को सजाया जा रहा है। शासन की मंशा अनुसार सिटी ब्यूटिफिकेशन के कंसेप्ट के अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा है और स्क्रैप के माध्यम से इसको सजाने के साथ साथ ये लो कॉस्ट में कॉस्ट इफेक्टिव वे में इस कार्य को किया जा रहा है जिससे कि शहर को और सुंदर बनाया जा सके। अभी फिलहाल दो चौराहे जो हैं वहाँ सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, एक तो तेजगढ़ी चौराहा और दूसरा गांधी आश्रम चौराहा। इसके साथ साथ सर्किट हाउस जो चौराहा है उसको भी टेकअप किया गया है। इसके बिना बेगम पुल वाला जो चौराहा है उसको भी टेकअप किया जा रहा है। इसके साथ साथ आगे भी प्लानिंग है कि चार चौराहे और चिन्हित किए जाएंगे और बाकी जगह भी जो हमारा स्क्रैप है उससे हम म्यूरल बना के शहर को और ब्यूटिफिकेशन करने का काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।